हेलो फ्रेंड्स, बहों का शराब दिखाई टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाला हूँ एक ईयरफोन्स का रिव्यू जिसका नाम है विंग्स इन्फिनिटी। एंड आप देख सकते हो कि इसका जो पैकेजिंग है वो दिखने में कुछ ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा है दिखने में। एंड मेन बात कि ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन है इसका प्राइस अमेजोन पर है लगभग 2000 रुपए के आसपास, एंड मिंत्रा पर ये लगभग 1500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। सो करने वाला हूँ इसी का एक क्विक अनबॉक्सिंग विथ रिव्यू एंड साउंड टेस्ट करके भी बताने वाला हूँ कि अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो फिर क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। सो देखना इस वीडियो को लास्ट तक, स्टार्ट करते हैं। सो ये है विंग्स इन्फिनिटी का बॉक्स। आप देख सकते हो कि इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा है आप देख सकते हो। एंड ये प्राउडली डिजाइन्ड बाय इंडिया है। वेल साइट पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर IPX7 का स्वेट प्रूफ वाला फीचर अवेलेबल है, उसी के साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा बास भी अवेलेबल है एंड अप टू 8 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हो, विथ HD माइक्रोफोन एंड कम्फर्ट फिट भी अवेलेबल है इस पे। सो देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में कम्फर्ट है कि नहीं। सो अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो यस, हियर्स द विंग्स इन्फिनिटी ब्लूटूथ ईयरफोन। आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली एक नेक ब्लूटूथ ईयरफोन है, आप देख लो। उसी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस विथ USB टू मिनी USB चार्जिंग केबल इसको चार्ज करने के लिए, एंड उसी के साथ आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स देखने को मिल जाता है जो कि आपके ईयर के साइज के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं अभी ब्लूटूथ ईयरफोन के ओर। आप देख सकते हो कि आपको जो है दोनों साइड पर कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में काफी ज्यादा यूनिक टाइप का लगता है। एंड ऊपर के साइड पर आप देख सकते हो कि जो स्विच वाला पार्ट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मेटालिक टाइप का डिजाइन देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सा लगता है एक्चुअली में। एंड यहाँ पर अवेलेबल है विंग्स का लोगो एंड पीछे यहाँ पर विंग्स लिखा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ईयर पीसेस, आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा कमाल का डिजाइन है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा कमाल का डिजाइन यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और ये जो दोनों ईयर पीसेस है वो एक्चुअली मैग्नेटिक है, आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है चिपक जाता है एक के साथ एक, क्योंकि ये मैग्नेट्स हैं। वेल अगर आप यहाँ पर ईयर पीस के ओर ध्यान से दोगे ना तो फिर आपको जो है इस साइड पर जो ईयरबड्स है उसको एक एंगल पे मोड़ के दिया है कंपनी ने, ताकि आपको जो है बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील हो जब भी आप इसको पहनकर वर्क करोगे या फिर जॉगिंग करोगे, तो फिर आपको काफी ज्यादा कंफर्ट ये फील देगा एंड जो साउंड क्वालिटी है उसको भी काफी ज्यादा इनहेंस करता है ये वाला फीचर। और जो नेक बैंड है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल है, आप देख सकते हो कि मैं इसको कैसे भी मोड़ सकता हूँ। और एक चीज मेरे को इस ब्लूटूथ ईयरफोन का बहुत ही ज्यादा पसंद है वो ये है कि वायर को एडजस्ट करने के लिए एक क्या कहते हैं इसको, मेरे को पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ही कमाल का चीज है जो कि वायर को एडजस्ट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके खींचता हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वायर अंदर के ओर ये समा रहा है, आप देख सकते हो, मतलब कि ऐसा लगेगा कि मानो ये जो वायर है वो बिल्कुल गायब हो जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी वायर अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है अंदर के साइड पर थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल है वायर समाने के लिए। सो अगर आप इस ब्लूटूथ ईयरफोन को टर्न ऑन करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर जो प्ले एंड पॉज करने का जो बटन है, आई मीन के मिडिल वाला जो बटन है, उस पर आपको होल्ड करके रखना है। एंड होल्ड करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये टर्न ऑन हो चुका है, और जब भी ये टर्न ऑन हो जाएगा तो फिर आपको कुछ इस टाइप का जो है इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा कि हाँ अभी ये टर्न्ड ऑन है। सो अगर बात करो इन ब्लूटूथ ईयरफोन का जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है, साउंड क्वालिटी गाइस बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा मेरे को, क्योंकि मैंने इस पर जो है काफी सारे सॉफ्ट गाने भी सुने हैं एंड उसी के साथ बहुत सारे रॉक वाले जो गाने होते हैं ना बेस वाले, उनको भी मैंने सुनकर देखा है। क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा कमाल का है एंड जैसे कि बॉक्स पर मेंशन था कि एक्स्ट्रा बास भी अवेलेबल है इस ब्लूटूथ ईयरफोन पर, सो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस ब्लूटूथ ईयरफोन पर जो है बहुत ही कमाल का बास आपको सुनने को मिल जाएगा। और अगर बात करूं कि इस ब्लूटूथ ईयरफोन का जो बैटरी है वो कैसा है, तो फिर भाई यहाँ पर आपको 135 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो कि 1.5 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में। एंड यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया है कि अप टू 8 आवर्स तक आपको जो प्लेबैक टाइम है वो देखने को मिलेगा। एक्चुअली में मेरे को ये वाला ईयरफोन्स जो है 7 से 8 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मेरे को प्रोवाइड किया है, सो यस मैं तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इन ईयरफोन्स से। सो ज्यादा देर मत करना, अभी के अभी जाके परचेस कर सकते हो जो कि अमेजोन एंड मिंत्रा पर अवेलेबल है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मिंत्रा पर जाके इसको परचेस करो क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमाल का आपको डील देखने को मिल रहा है, आई मीन की 1500 रुपए के आसपास आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाला ईयरफोन। और रियली में ये जो ईयरफोन्स है ना वो बहुत ही ज्यादा कम्फर्ट
कंफर्ट फील दिया है मेरे को। आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको अपने कान पर लगाता हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि मेरा जो कान है वो बिल्कुल से बंद हो चुका है, मतलब साउंड क्वालिटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लाउडली सुनने को मिल रहा है यहाँ पर। सो यही था एक क्विक टाइप का रिव्यू वीडियो जो कि मैं कभी कभी पोस्ट करता रहता हूँ। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एंड अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स को ये वाला वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो, आई मीन की शेयर कर सकते हो। एनीवेज जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है एक सेक्शन वीडियो के साथ, सो गुड बाय।